भोपाल के पीपल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। एक तरफ जहां प्रबंधन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं प्रबंधन ने इस बात से इनकार किया है, जबकि कैबिनेट मंत्री ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल के पीपल्स अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से कुछ मरीजों की मौत होने की बात सामने आई है। यहाँ परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी से उनके मरीज की मौत हुई है, तो वहीं इस पूरे मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जांच के निर्देश दिए हैं। हॉस्पिटल प्रशासन ने अपनी बात कही है और पीपल्स हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ये स्वयं प्रशासन ने कहा है, क्योंकि वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और उन्होंने स्वयं ने इसका स्पष्टीकरण दिया है। उसके बाद भी हमने ये कहा है कि इसकी पूरी जांच हो, क्या तथ्य हैं वो सामने आए। किसी की भी मृत्यु बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे निर्देश हैं कि सभी मरीजों का बहुत उचित इलाज होना चाहिए। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक प्रबंधन ने खुद इस बात का खंडन जारी किया है। रोज के रिकॉर्ड भी देखें तो यह मामला असत्य नजर आ रहा है। इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पीपल्स ग्रुप का मैनेजमेंट है, उन्होंने पूर्ण तरह से इस खबर का खंडन भी जारी किया है, और यदि हम लोग रोज के डिटेल्स एंड रिकॉर्ड्स देखें तो ये खबर पूर्णतः असत्य दिख रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई फैक्चुअल एरर है, बिकॉज जब उनके यहाँ ऑक्सीजन का कोई इशू था तो उन्होंने बैकअप सिस्टम ले लिया था, एंड जैसे जैसे जो भी डिमांड उन्होंने प्रशासन को दी है उतनी ऑक्सीजन उनको रेगुलरली सप्लाई की। मरीज के परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि ऑक्सीजन की कमी व डोज नहीं देने से उनकी मौत हुई है। हमारे संदीप साहब थे भर्ती। कब से भर्ती थे? 3 दिन हो गए। क्या नाम था उनका? हाकम सिंह चौहान। कहाँ रहते थे ये? मंडीदीप। मंडीदीप? हाँ, गांव से आए थे। कहाँ, कौन सा गांव था अपना? सिलगना। बड़ा बड़ा सिलगना। अच्छा, सीएम का गांव है, सीएम के में क्षेत्र लगता है। कैसे खत्म हो गई? 4 दिन होगा भर्ती थे, ऑक्सीजन की कमी से होगा और उनको डोज नहीं दिया। अच्छा, हाँ, वो डोज कैसे देते सूचना मिली ऑक्सीजन की कमी आप लोगों को? हमको 6 बजे से ऑक्सीजन की कमी है बता रहा है, यही नहीं है, यही नहीं है ऑक्सीजन। अच्छा, हाँ, फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने की हम बाहर से ऑक्सीजन ला दें, किल्ला बाहर की ऑक्सीजन नहीं लगेगी किल्ले। हाँ, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे हटा दिया, उसके बाद फिर उसके बाद आधे घंटे बाद किल्ले खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, उसके आधे घंटे बाद लोग खत्म हुए होंगे आप लोगों के देखते देखते? हमें 8-10 लोग खत्म हुए मेरे सामने। अच्छा। मतलब 8-10 लोग तो मेरे सामने खत्म हुए, उसके बाद दूसरे उसमें जान नहीं दे रहे, उसमें 25 थी। अब अंदर से बाहर भगा दिया हमको, किल्ले जाइए आप बाहर। तो और 4 दिन से कह रहा है हम इंजेक्शन लगाइए, इंजेक्शन लगाइए, कह रहे इंजेक्शन लग जाएगा डेली, कह रहा है इंजेक्शन शाम को लगेगा, आधे घंटे में लगेगा, 1 घंटे हमसे पैसे जमा करवा लिए, 11,000 रुपये जमा करवाए, उसके बाद भी नहीं दिया, इंजेक्शन नहीं दिया। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा दिए गए जांच के निर्देश के बाद कब तक जांच पूरी होती है और जांच में क्या निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।